बच्चों ये है हमारा लेक्चर 253 और हम कर रहे थे आपके हिस्ट्री के एन सी आर टी बुक में से सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन सो हम थे पेज 41 आपके एन सी आर टी टेक्स्ट में हम थे पेज 41 पे सो so हमारा टॉपिक था पेज uh, 253 पे लेक्चर पेज uh, 41 पे partly to remedy this most non russian nationalists were given political autonomy in the soviet union ussr the state the bolsheviks created from russian empire in december 1922 हमने क्या पढ़ा कल हमने पढ़ा कि जो हमारे बोल्शेविक्स थे सो so, बोल्शेविक्स जो थे वो आ, मतलब लोकल नेशनलिस्ट को आ, मतलब सोशलिज्म बचाने के नाम पर पे उनपे थोड़ा सा जुल्म कर रहे थे सो so, इस सिचुएशन में बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे कि बोलशेविक करना क्या चाहते हैं सो so, इसको सॉल्व करने के लिए जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे नॉन रशियन नेशनलिटीज थे मतलब जो रशिया के नहीं थे उन्हें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी गई किसमें यूएसएसआर में अब यूएसएसआर क्या था यूएसएसआर ने बनाया था ये स्टेट ये यूएसएसआर एक स्टेट था जो बोल्शेविक्स ने बनाया था रशियन अंपायर में ही बनाया था दिसंबर 1922 में ठीक है सो मतलब बॉलशेविक्स के लिए ऐसे माना जा रहा था कि भाई वो आ, मतलब हैरान कर रहे हैं दूसरे लोगों को सो so, इसका सॉल्यूशन लाने के लिए जो नॉन रशियन नेशनलिटीज थे उन्हें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी गई ऑटोनॉमी का मतलब आप खुद से खुद का फैसला करो उन्हें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी गई सोवियत यूनियन यूएसएसआर में मतलब सोवियत यूनियन वो एक रीजन थी जो कि बोल्शेविक्स ने ही बनाई थी रशियन अम्पायर से दिसंबर नाइनटीन में बट सिंस दिस वॉज कम्बाइंड विद फोर्स द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो पर ये क्या था uh, मतलब ये भी मतलब बॉलशेविक्स की कुछ ऐसी कन्फ्यूजिंग पॉलिसीज़ थी जो नॉन पॉपुलर थी जो कि सरकार जो लोकल गवर्नमेंट थी वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी जैसे कि एक पॉलिसी ऐसी थी हार्स डिस्करेजमेंट ऑफ नोमेडिज्म मतलब आप अगर दूसरे स्टेट से आ रहे हो तो आप मतलब डिस्करेज करती थी नोमिज्म को भाई आप वो लाइफस्टाइल नहीं अपना सकते जो है आपकी ठीक है सो so, इस तरह से बॉल थोड़े से अनपॉपुलर भी रहे इस टाइम सो so, पार्टली टू रेमेडी दिस द मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द सोवियत यूनियन सो सोवियत यूनियन का फुल फॉर्म है शॉर्ट oh, फॉर्म है यूएसएसआर यूएसएसआर क्या था द स्टेट द क्रिएटेड फ्रॉम रशियन अम्पायर इन दिसंबर ट्वेंटी टू सो दिसंबर ट्वेंटी टू में ये स्टेट बनाया गया था बट सिंस दिस वॉज कम्बाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसीज दैट बोल्शेविक्स फोर्स द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो लाइक द हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नॉमेडिज्म मतलब अनपॉपुलर पॉलिसीज के साथ कंबाइंड था जैसे कि बॉल्शेविक्स ने लोकल गवर्नमेंट को आ, मतलब बोला था कि आप डिस्करेज करो नौमेडिस्म। भाई नौमेडिस्म वाले लोग नहीं चाहिए ठीक है सो so, इस तरह से मतलब बॉल्शेविक्स के ये थोड़ी सी माइनस पॉइंट्स भी थी सो दिस इज पेज फोर्टी वन अब पेज नंबर फोर्टी टू पे मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे बनी सो ड्यूरिंग द सिविल वॉर जब सिविल वॉर चल रहा था बॉल्शेविक्स कैप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज सो so, उसके दौरान भी बॉलशेविक्स ने इंडस्ट्रीज को भी नेशनलाइज रखा बैंक को भी नेशनलाइज मतलब भाई सबकी मतलब सब 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 जगह बैंक्स में में एक ही रूल, सब में एक ही ही इंडस्ट्रीज रूल वैसा अलग अलग नहीं दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन लैंडलाइज सो उन्होंने पीजेंट्स को लैंड कल्टिवेशन के लिए बोला जो सोशलाइज हो गया था मतलब भाई बट चुका था बॉलशेविक्स यूज कॉन्फेस्ट कॉन्फेस्केटेड लैंड टू तो डेमोस्ट्रेट वॉट कलेक्टिव वर्क कुड बी सो बॉल्सिक्स ने क्या किया जो अमीरों से लैंड हथियाए थे सेविक्स ने अमीरों से ले लिए थे जमींदारों से लैंड ले लिए थे उसमें उन्होंने कलेक्टिव कलेक्टिव वर्क कराना चालू कर दिया सो प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस फिर सेंट्रलाइज प्लानिंग का प्रोसेस किया गया भाई सेंट्रलाइज मतलब सब जगह एक ही कानून एक ही नीति नियम चलेंगे सो ऑफिशियल्स एसेस्ड हाउ द इकोनॉमिक कुड वर्क एंड सेट टारगेट्स फॉर फाइव पीरियड सो ऑफिशियल्स बिठाए गए ऑफिशियल्स एसेस करने लगे सारी सिचुएशन की किस तरह से इकोनॉमी काम करेगी और वो टारगेट सेट करने लगे पांच साल के सो सेंट्रलाइज प्लानिंग हुई ऑफिशियल्स सारा सब कुछ देख रहे थे टारगेट सेट कर रहे थे सो so, जो होना चाहिए सरकार के अंदर वैसा हो रहा था पांच साल का प्लानिंग बनाया गया ऑन द बेसिस दे मेड फाइव प्लान्स और इसी बेसिस पे पांच साल के प्लान्स बने द गवर्नमेंट fixed ऑल prices टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट टू plans. सो so, गवर्नमेंट ने क्या किया सब चीजों के अभाव फिक्स कर लिए prices फिक्स कर लिए ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ और हो मतलब और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो ड्यूरिंग द फर्स्ट टू plans. पहले दो plans जो आए मतलब पांच पांच साल के जो plans आए सो गवर्नमेंट ने क्या किया फिक्स कर दिया सब prices को ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ और प्रमोट हो सो so, कौन से दो फर्स्ट टू प्लान्स थे 1927 से 1932 और 1933 से 1938 थर्टी एट सो ये पांच पांच साल में ये दो प्लान्स थे जो कि मतलब गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक प्लान्स बनाए थे बॉलचेर सरकार ने सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ और क्योंकि इस तरह से प्लानिंग हो रही थी ऑल ओवर द नेशन सो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज मतलब इंडस्ट्रीज और ज्यादा प्रोडक्शन करने लगी नाइनटीन uh, ट्वेंटी से नाइनटीन तक हंड्रेड परसेंट बढ़ गया मतलब प्रोडक्शन हंड्रेड परसेंट बढ़ गया ऑयल के कोल के स्टील के केस में न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इन टू बींग सो नए नई फैक्ट्री सिटीज बने हाउ एवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लैक टू तो पुअर वर्किंग कंडीशन अब क्योंकि सब इतनी तेजी से हो रहा था सो हंड्रेड आपने यहां देखा कि हंड्रेड परसेंट प्रोडक्शन बढ़ गया इंडस्ट्रीज का तो किसने ऑब्वियसली वर्कर्स काम कर रहे हैं तभी बढ़ा ना मतलब ठीक है डिमांड भी होगी पर वर्कर्स ने भी तो काम किया सो ये अगर इतना ज्यादा काम हो रहा है इतनी फैक्ट्रीज आ रही हैं उतने ज्यादा लोग सो इतना सब कुछ जब रैपिड हो रहा था इतनी जल्दी जल्दी से सब चीजें कंस्ट्रक्ट हो रही थी सो वो वर्किंग कंडीशन पुअर हो गई मतलब ऑब्वियसली खरा तो आप उन्हीं वर्कर से रहे हो सो इन द सिटी ऑफ इन द सिटी ऑफ मैग्नीटोग मैग्नीटोग करके सिटी है द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट सो एक स्टील प्लांट का कंस्ट्रक्शन हुआ था कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वॉज अचीव इन थ्री इयर्स सो मतलब एक स्टील प्लांट बनाया गया सिटी ऑफ में तीन साल के अंदर अंदर मतलब इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा था तीन साल में एक स्टील प्लांट बनना इज अ वेरी बिग थिंग वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइफ वर्कर्स की लाइफ बहुत ज्यादा कठिन होती जा रही थी क्योंकि उनपे काम का लोड बढ़ता जा रहा था एंड द रिजल्ट वॉज फाइव फिफ्टीज स्टॉप इन द फर्स्ट ईर अलोन सो वर्कर्स पे इतना ज्यादा प्रेशर बन रहा था कि साढ़े पांच सौ जो काम है वो रुके पहले साल में ही साढ़े पाँच सौ काम रुके इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम और जो उनके रहने के ठिकाने होते वर्कर्स जहाँ रहते थे वह फोर्टी डिग्री सेल्सियस से भी कम पारा रहता था सो लोगों को पीपल हैड टू क्लाइंब डाउन फ्रॉम द फोर्थ फ्लोर एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू टॉयलेट्स उनको सिर्फ टॉयलेट्स जाने के लिए उन वर्कर्स के लिए मतलब घर तो थे पर टॉयलेट्स कहाँ थे जैसे फोर्थ फ्लोर पे वो वर्कर्स रहते थे तो फोर्थ फ्लोर से उनको उतर के नीचे आना पड़ता था और कहीं सड़क पे उनके लिए टॉयलेट्स होते थे तो वहां तक जाना पड़ता था मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्कर्स के लिए चीजें टफ थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था कंस्ट्रक्शन हो रहा था सब कुछ हो रहा था पर वर्कर्स के लिए चीजें थी टफ सो एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप एंड अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज़ अब स्कूलिंग सिस्टम को भी बॉलशेविक्स ने ध्यान दिया स्कूल सिस्टम को डेवलप करा और अरेंजमेंट किए गए फैक्ट्री वर्कर्स के लिए पीजेंट्स के लिए ताकि वो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाएं क्रैचेस व इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स और जो औरतें थीं जो औरतें काम पे अपने लिए काम पे लाती थी अपने बच्चे तो उनके लिए क्रैचेस बनाए गए मतलब ऐसी जगह मतलब फैक्ट्री के अंदर ही व्यवस्था की गई उनके बच्चों को रखने की चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉस प्रोवाइडेड और फिर हेल्थ फैसिलिटीज भी दी गई सस्ते दामों में मॉडल लिविंग क्वार्टर्स और सेटअप फॉर वर्कर्स और वर्कर्स के लिए थोड़ा रहने के लिए अच्छी व्यवस्था कर दी गई द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अन ये सब हो रहा था पर सब जगह नहीं हो रहा था अन ईवन मतलब कहीं हो रहा था कहीं नहीं हो रहा था सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज लिमिटेड मतलब गवर्नमेंट के पास इतने साधन नहीं थे गवर्नमेंट कर तो सब रही थी पर सबको सब कुछ मिल नहीं रहा था क्योंकि गवर्नमेंट के पास साधन थे लिमिटेड रिसोर्सेज थे लिमिटेड ठीक है सो इस पूरे पेज में आपने देखा बॉल्शेविक्स ने क्या क्या किया मतलब बॉलशेविक्स सरकार जो आई बॉलशेविक्स ने क्या किया सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे बनाई सो so, आपने देखा सेंटर सब सेंट्रलाइज कर दिया बोल्शेविक्स ने इंडस्ट्रीज बैंक्स सेंट्रलाइज कर दी, दी। पीजेंस को परमिट किया कि वे लैंड लैंड कल्टीवेट करें जो सोशलाइज हो चुका है और जो लैंड उन्होंने जब्त किया था उस पर कलेक्टिव फार्मिंग करा रही थी दो बारी फायर प्लांट मतलब टोटल तीन बार फायर प्लांट सेट किए सेंट्रलाइज प्लानिंग हुई फैक्ट्रीज बढ़ी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई ठीक है पर वर्कर्स की हालत खराब हो गई इस सब में फिर धीरे धीरे वर्कर्स के लिए भी सोचा गया पर कुछ सही हो नहीं रहा था क्योंकि करने को बहुत कुछ था पर रिसोर्सेस उतने नहीं थे ठीक है सो सो दिस वाज अबाउट मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी यहाँ पे पेज नंबर फोर्टी थ्री पे पिक्चर्स हैं वो देख लेते हैं फोर्टी थ्री पेज पे सो so, ये है फिगर फिफ्टीन फिगर फिफ्टीन में दिखाया गया है चिल्ड्रन एट स्कूल इन सोवियत रशिया इन नाइनटीन सो ये सोवियत रशिया के स्कूल के बच्चे हैं नाइनटीन में सो so, यहाँ पे ये लोग इकोनॉमी पढ़ रहे हैं जो सोवियत की इकोनॉमी है वो पढ़ रहे हैं फिगर सिक्सटीन है अ चाइल्ड इन मैग्नीटोग ड्यूरिंग द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान सो ये एक बच्चा है ये शायद काम करता हुआ बच्चा है ही इज वर्किंग फॉर सोवियत रशिया सो ये काम कर रहा है फिर इसके बाद नीचे है ये खाने ये खाने की डाइनिंग हॉल है ये एक फैक्ट्री का डाइनिंग हॉल है यहाँ बैठ के खाना खाया जाता था वर्कर्स यहां बैठ के खाना खाते थे फैक्ट्री डाइनिंग हॉल इन नाइनटीन थर्टी ठीक है सो इस तरह से मतलब ये बॉल्शेविक्स के टाइम सोवियत रशिया इस तरह से हो रहा था ठीक है बच्चों आप देखेंगे पेज नंबर फोर्टी फोर पे स्टेलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन सो स्टेलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन द पीरियड ऑफ अर्ली प्लांट इकोनॉमी वाज लिंक्ड टू डिजास्टर ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सो so, अगर आप जब इकोनॉमी प्लान की गई अगर आप उस पीरियड को अगर आप कंस, आ, कंसीडर करो सो so वो लिंक किया गया डिजास्टर्स ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब जो आपको पता होगा ने कलेक्टिवाइजेशन चलाया था कि भाई सब एक साथ इकट्ठे फार्मिंग करो सो so, ये जो उसने कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया उसमें जो प्रॉब्लम्स आए डिजास्टर्स आए सो so, ये प्लान इकोनॉमी को उसी से लिंक किया गया

पर तो तो पर टू टू सेल ग्रेन गवर्नमेंट जो फार्मर्स थे वो बेचने को तैयार नहीं थे अच्छा इस टॉपिक का नाम है स्टेलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन इज एंड कलेक्टिवाइजेशन सो ये स्टेलिन कौन है स्टैलिन स्टैलिनिज्म मतलब स्टैलिन की पॉलिसी है कौन स्टैलिन ये स्टेलिन है सो तो अब यहाँ पे स्टैलिन आएगा यहाँ पे इस पैराग्राफ में कहीं क्यों आएगा वो आप देखोगे So, देखो यहाँ पे क्या हुआ फार्मर्स ने मना कर दिया बीजेंट्स ने मना कर दिया कि हम सरकार के भाई सरकार को हम गेहूं नहीं बेचेंगे सरकार जो प्राइस बोल रही है हम उसपे गेहूं नहीं बेचेंगे सो स्टैलिन हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन सो जो बोल्शेविक्स की पार्टी थी लेनिन के बाद कौन चलाने लग गया स्टैलिन सो so, यहाँ आया स्टेलिन स्टैलिन इज द लीडर ऑफ बॉलशेविक्स आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन सो हुड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन इंट्रोड्यूसड फॉर्म इमरजेंसी मेजर्स तो उसने क्या किया बहुत ही सख्त कदम उठाए क्योंकि पीजेंट्स जो थे अपना ग्रेन सप्लाईज दे ही नहीं रहे थे ग्रेन बेच ही नहीं रहे थे गवर्नमेंट को सो so, उसको क्या लगा उसने बहुत ही सख्त कदम उठाए स्टैलिन ने सो so, स्टैलिन कौन था लेनिन की गति पे नया नेता आया था नया लीडर आया था ही बिलीव दैट रिच पीजेंस एंड ट्रेडर्स इन द कंट्रीज वर होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हायर प्राइजेस उसे लगा कि ये जो अमीर फार्मर्स हैं और ये जो अमीर ट्रेडर्स हैं जो गांव में वो वो मतलब होर्डिंग कर रहे हैं होर्डिंग मतलब इकट्ठे कर रहे हैं स्टॉक्स इकट्ठे कर रहे हैं होल्ड कर रहे हैं स्टॉक्स उनको हाई प्राइस चाहिए इसीलिए स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप एंड सप्लाईज कन्फिस्केटेड सो मतलब ये सब खत्म करना था स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप मतलब वो, वो क्लियर करना चाहता था सही में ऐसा है और उनकी सप्लाइज को बंद कर देना चाहिए मतलब वो सोच रहा था कि उनकी सप्लाइज को जब्त कर ले जाके सो नाइनटीन ट्वेंटी में पार्टी तो उसने क्या किया स्टालिन ने 1928 में उसने अपनी पार्टी मेंबर्स को बोला कि ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज में जाके टूरिंग करो मतलब जाके एक चक्कर लगा के आओ सुपरवाइजिंग एंडफोर्स ग्रेन कलेक्शन एंड रेडिंग कुल्लब द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स क्या काम दिया उसने अपनी पार्टी को वो स्ट्रिक्ट हो गया अब उनके साथ पीजेंट्स के साथ स्ट्रिक्ट हो गया सो so, उसने उनको क्या काम दिया 1928 में उसने अपने पार्टी मेंबर्स को बोला कि आप ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज की टूर करो और आप वहां एक बार चक्कर मार के आओ सुपरवाइजिंग एंड ग्रेन कलेक्शन उसने कहा आप सुपरवाइज करो ग्रेन कलेक्शन मतलब जबरदस्ती आप भाई ग्रेन कलेक्शन देखो हो रहे हैं कि नहीं क्योंकि जबरदस्ती हो रहा था पीजेंस बेचना नहीं चाह रहे थे वो जबरदस्ती बोल रहा था बेचो और एंड रेडिंग कुल्स और जो कुल्लक्स थे कुल्लक्स कौन वो जो बड़े बड़े फार्मर्स थे नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स मतलब जो अमीर फार्मर थे उनके uh, उनके उनको कुल्स कहा जाता था सो डिफाइन कुल्लक्स कहा जाए तो आप क्या लिखोगे कुल्क्स आर द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स सो जो अमीर पीजेंट्स हैं उनका नाम था कुल्स सो कुल्लक्स के गांक्स uh, के कुल्स पे भी जाके रेड करी उसने सो एज शॉर्टेजेज कंटिन्यूड द डिसीजन टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म्स सो जैसे अभी भी मतलब अभी भी मतलब जबरदस्ती उनसे उनकी सप्लाईज निकलवाने के बाद भी गेहूं की जो शॉर्टेज थी वो खत्म ही नहीं हो रही थी अभी भी गेहूं की कमी बनी हुई थी ग्रेन्स की कमी बनी हुई थी सो शॉर्टेज कंटिन्यूड द डिसीजन वाज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म्स सो क्या डिसीजन लिया गया कि सब साथ में खेती करें इसमें पता नहीं इस डिसीजन में उसको क्या समझ आया उसने कहा सबको साथ में खेती कराएंगे तो शायद और ज्यादा अनाज प्रोड्यूस हो सो ये आर्ग्यू किया गया कि भाई जो ये ग्रेन की शॉर्टेज है ये जो ग्रेन की कमी है वो किसकी वजह से है वो स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स की वजह से होल्डिंग्स का मतलब तहकाने छोटे छोटे तहकाने हैं छोटी छोटी जगह हैं तो वहां पे ग्रेन स्टोर नहीं हो पाती है सो so, आफ्टर मतलब ऐसा पाया गया कि भाई लोगों के पास रखने के लिए जगह नहीं है

सो so, अगर मॉडर्न फार्म्स आपको चलाने हैं और उसको इंडस्ट्रीज के हिसाब से चलाना है मशीनरी के हिसाब से चलाना है तो बीच में से एल कुल्लक्स को निकालना पड़ेगा कुल्लक्स कौन थे जो बड़े बड़े फार्मर्स थे उनको उनका उनसे लैंड हमें उन कुल्लक्स को निकाल देना है और फार्मर से लैंड ले लेना है और सारा जो फार्म्स है वो कौन कंट्रोल करे स्टेट सो so, स्टेट कंट्रोल फार्म्स एस्टेब्लिश करने हैं ठीक है थीके? So, स्टैलिन ने सोचा स्टैलिन ने क्या सोचा कि भाई गेहूं की कमी पूरी नहीं हो रही है तो क्या करना है जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनको हटा दो जो सबके लैंड्स हैं वो ले लो और सब स्टेट के अंदर कर लो सब सबको सरकार चलाएगी सारे और फार्मिंग फार्म बड़े बड़े कर लो फिर उनको मॉडर्नाइज करेंगे ऐसी सोच थी की सो so, स्टैलिन ने सोचा भाई ऐसा करेंगे वॉट फॉलोड वो स्टेलिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इसके बाद स्टैलिन ने क्या सोचा कि भाई कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम चलाएंगे सो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम स्टैलि कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम सो क्या था स्टैलिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम फ्रॉम नाइनटीन ट्वेंटी नाइन द पार्टी फोर्स ऑल पीजेंस टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म सो नाइनटीन ट्वेंटी नाइन से जो जो स्टैलिन की पार्टी थी वो सारे फार्मर्स को फोर्स कर रही थी कि आप कलेक्टिव फार्म्स में कल्टिवेशन करो so, आप जो कल्टिवेशन है किस में करो कलेक्टिव फार्म्स में करो जिनको कोलखोज कहते हैं कोलखोज मतलब इकट्ठी खेती करनी एक ही जगह पे द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स और ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स सो ये जो लैंड और इम्प्लीमेंट्स हैं, ये लैंड और इम्प्लीमेंट्स किसको ट्रांसफर कर दिए गए और ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स So, uh, जो बड़े बड़े लैंड्स थे जो उनके औजार थे वो कलेक्टिव uh, फार्म्स को दे दिए गए वर्क ऑन द लैंड एंड द कोलखोज प्रॉफिट वॉज शेयर्ड। सो ये सारे जो किसान थे वो एक ही जगह काम करने लगे और प्रॉफिट शेयर होने लगा सो so, फिर से कोलखोज क्या है वन मार्क में आए तो वॉट इज कोलखोज सो कलेक्टिव फार्म्स कलेक्टिव फार्म्स मतलब इकट्ठे जो फार्म थे कलेक्टिव सबके खेत खेत एक करके जो फार्म बना दिया गया था कलेक्टिव फार्म उसे कोलखोज कहते हैं ठीक है रजिस्टर्ड द अथॉरिटीज एंड देयर लाइफ स्टॉक सो जो पीजेंट्स गुस्से में आ गए फार्मर्स गुस्से में आ गए और वो अथॉरिटीज को रजिस्ट करने लगे अथॉरिटीज के खिलाफ जाने लगे एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ स्टॉक मतलब वो अपने ही बैलों को मारने लगे डिस्ट्रॉय करने लगे मतलब गुस्सा हो गया पीजेंट्स क्योंकि अब क्या हो रहा था आप किसकी खेती पे काम कर रहे हो सरकार की पैसा किसे मिल रहा है सरकार को सो so, पीजेंट्स को लगा हमारा क्या तो गुस्से में आके उन्होंने ऑथोरिटीज के खिलाफ गए और अपने ही बैलों को मारने लगे बिटवीन नाइनटीन ट्वेंटी नाइन नाइनटीन थर्टी वन द नंबर ऑफ कैटल फेल बाय वन थर्ड सो ये जो बैलों का ये जो कैटल्स थे वो नाइनटीन ट्वेंटी नाइन से थर्टी वन पे वन थर्ड हो गए मतलब इतने ज्यादा मार दिए उन लोगों ने दोज वर सीवियरली पनिश्ड जो स्टैलिन का कलेक्टिवाइजेशन पॉलिसी थी जो फार्मर्स उसे रजिस्ट कर रहे थे जो उससे मना कर रहे थे उनको पनिश किया गया मैनी डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड काफियों को डिपोर्ट करा गया काफियों को एक्साइल डिपोर्ट करना मतलब डिपोर्ट करना मतलब देश से निकाल देना एग्जाइल एग्जाइल मतलब दो देश से दूर जाके बंद कर देना सो so, का, काफी को डिपोर्ट करा गया काफी को एग्जाइल करा गया एज दे रजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन पीजें देवर नॉट रिच एंड देवर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म सो क्योंकि कलेक्टिवाइजेशन को ये लोग रजिस्ट कर रहे थे मना कर रहे थे कि हम कलेक्टिवाइजेशन में नहीं मानते पीजेंट्स इसका आर्ग्यूमेंट क्या दे रहे थे हम हाँ, पीजेंट्स कह रहे थे कि हम कोई अमीर नहीं है और हम तो सोशलिज्म के खिलाफ भी नहीं है दे मेयरली डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म फॉर अ वेरायटी ऑफ रीजन वो सिर्फ कलेक्टिव फार्म में काम करना नहीं चाहते सिंपली पीजेंट्स घड़ी घड़ी यही बोल रहे थे उन्हें कलेक्टिव फार्म में काम नहीं करना स्टैलिन गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन बट ट्रीटेड सच कल्टिवेटर्स अनसिम्पेथिटिकली सो स्टेलिन की गवर्नमेंट ने अलाउ किया कुछ लोगों को कि हाँ भाई तुम इंडिपेंडेंट खेती कर सकते हो बोले सरकार के कलेक्टिवाइजेशन फार्म में काम नहीं करो अलग से जाके करो पर उनके साथ वो लोग बहुत निर्दयी होते थे मतलब बोलने का मतलब यही है कलेक्टिवाइजेशन में ही काम करना है जबरदस्ती आपको इकट्ठा काम करना है सरकार को इकट्ठा काम करके देना है इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली भले स्टालिन ने ये कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम चलाया भाई इकट्ठी खेती करो सब एक, एक ही सब सरकार को एक ही जगह पे खेती करके तो ये सब था तो भी ये जो जो प्रोडक्शन है वो तो बढ़ा ही नहीं मतलब द प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी थर्टी थ्री लेट टू वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइंस इन सोवियत हिस्ट्री वैन वोर मिलियन डाइड सो हुआ क्या इतनी खर, खराब फसल हुई मतलब इतनी खराब फसल हुई नाइनटीन थर्टी थर्टी थ्री में इतनी मतलब कम फसल हुई कम फसल हुई कि uh, फेमाइन आ गया सूखा पड़ गया दुकाल पड़ गया सो so, उस सूखे में so, uh, मतलब सोवियत हिस्ट्री पूरी आप uh, मतलब रशिया की सोवियत हिस्ट्री जानो सो so, उस उस पूरे में चार uh, मिलियन लोग इस सूखे की वजह से मर गए फेमाइन की मतलब ठीक है भाई लैनिन के टाइम भी कमी आई थी स्टालिन के टाइम पर उल्टा कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम चलाया उसमें उल्टा भूख की वजह से चालीस लाख लोग मर गए फसल ही नहीं कटी थी So, ये उल्टा उल्टा ही पड़ गया मतलब कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम फेल गया स्टैलिन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ी हार्वेस्ट बुरा हुआ और लोग बहुत चालीस लाख लोग चार महीने चालीस लाख लोग मरे तो पेज नंबर फोर्टी फाइव पे मैनी विद इन द पार्टी क्रिटिसाइज द कंफ्यूजन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अंडर द प्लांट इकोमी एंड द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ कलेक्टिवाइजेशन तो काफी लोग जो बोल्शेविक्स थे मतलब जो पार्टी वाले ही थे वही क्रिटिसाइज करने लगे वही बुराई करने लगे इस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम की इस इकोनॉमी की कि भाई ये कैसी प्लानिंग है कि लोग मर रहे हैं सो so, अंदर ही अंदर लोग उनमें झगड़ा चल रहा था क्रिटिसाइज कर रहे थे कलेक्टिवाइजेशन के रिजल्ट को और इन सबको स्टेलिन एंड हिज सिंपेथाइजर्स चार्ज दिस क्रिटिक्स विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म सो so, स्टैलिन था स्टैलिन और उसके साथ जो उसके साथ ही थे सिंपेथाइजर्स मतलब स्टैलिन का साथ देते मतलब उसका साथ देने वाले सो so, स्टैलिन ने और उसके सिंपेथाइजर्स ने इन क्रिटिक्स को मतलब जो उसकी पार्टी के अंदर उसी की बुराई कर रहे थे उन लोगों को बोला आ, चा, उन, उन, पे इल्जाम लगाया मुकदमा लगा दिया कि तुम लोग सीक्रेट एजेंट्स हो तुम सोशलिज्म नहीं करना चाहते कॉन्स्पिरसी मतलब तुम कोई खुफिया कर रहे हो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि उनकी गलती है वर मेड थ्रू आउट द कंट्री एंड मतलब फिर पूरा देश अब तो इन पे सवाल जवाब करने लगा स्टैलिन पे सवाल जवाब होने लगे एंड बाय 1939 थर्टी नाइन ओवर टू मिलियन वर इन प्रिजम्स और लेबर कैंप्स पर स्टैलिन भी अड़ा रहा स्टैलिन मानने को ही तैयार नहीं था कि उसकी गलती है सो so देश में चारों तरफ सब उसकी बुराइयां कर रहे थे तो दो मिलियन लोग उसकी बुलाइया कर रहे थे वो जेलों में डाल देता था तो दो मिलियन लोगों से दो मिलियन से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स बट नो वन स्पोक फॉर देम उनका कुछ था भी नहीं मतलब वो क्रिमिनल्स भी नहीं थे तो भी मतलब वो लोग नहीं बोल पा रहे थे लार्ज नंबर वर फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेशन अंडर टॉर्चर वर एग्जीक्यूटेड सेवरल टैलेंटेड प्रोफेशनल्स जबरदस्ती उनसे बुलवाया जा रहा था कि भाई तुम तुमने क्राइम किया है उनको टॉर्चर करा जा रहा था उनको फांसी लगा दी जाती थी जबरदस्ती मार मार के टॉर्चर करके पहले उनसे उगलवाया जाता था कि भाई तुमने भाई तुम गुनहगार हो ऐसे उनसे, उनसे कन्फेस्ट कराया जाता था और फिर उनको अपराधी बोल के उनको फांसियां दी जाती थी और ये जो लोग थे वो कौन थे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स लोग थे मतलब जो भी स्टेलेंट के खिलाफ जाता था वो सीधा फांसी चढ़ता था ठीक है सो अ लार्ज नंबर ऑफ तो इस तरह से उनको जबरदस्ती अब फंसाया जा रहा था सो so, आप देखेंगे हम पेज नंबर फोर्टी सिक्स पे द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर की जो रशियन रिवोल्यूशन था उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या था मतलब ग्लोबली रशियन रिवोल्यूशन का इन्फ्लुएंस क्या था और यूएसएसआर क्या है सो एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव ऑफ द वे द बोल्शेविक्स ऑफ पावर एंड कैप्टेड सो so, जो सोशलिस्ट पार्टीज थी यूरोप में मतलब पूरे यूरोप जो यूरोप कॉन्टिनेंट था सो so उसमें जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो पूरी तरह से अप्रूव नहीं कर रही थी कि किस तरह से बोलशेविक ने पावर जीता और किस तरह से उसे, उसे यूज कर रहे थे मतलब बॉलशेविक्स का अभी भी पूरे यूरोप यूरोप में लोग सोच रहे थे कि बॉलशेविक्स पे क्वेश्चन मार्क की तरह था हाउ आर द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्क स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड सो इन मेनी कंट्रीज कम्युनिस्ट वर फॉर्मड सो so, यहाँ देखोगे बॉलशेविक्स में जो बॉलशेविक सरकार बनी उसमें तो वर्कर्स का बहुत हाथ था मतलब वर्कर्स ने रिवॉल्यूशन किया रशियन रिवॉल्यूशन किया तो बॉल्सैविक पार्टी बनी थी सो so, बहुत सारे देश दुनिया के बहुत सारे मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्मड सो इनसे प्रेरणा लेके पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टीज बनाई वर्कर्स ने लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी बनी द बोल्स इंकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट सो बॉल्सविक ने क्या किया बॉल्सिक्स ने कॉलोनियल लोगों को एनकरेज किया कॉलोनियल कौन मतलब जिनको बाहर के देश वाले आग के गुलाम बनाते उन लोगों को सो बॉल्सेविक ने कॉलोनियन पीपल को बोला कि तुम भी हमारा एक्सपेरिमेंट फॉलो करो क्योंकि बॉलसेविक्स ने भी तो ऐसा ही किया था उनका देश भी इस तरह से प्रॉब्लम मतलब yeah, गुलाम था तो उन्होंने ऐसे वर्कर से स्ट्राइक करा के इस रिवॉल्यूशन करके अपनी सरकार बनाई थी तो वो सारे दुनिया को यही संदेश दे रहे थे कि आप लोग भी हमारी तरह आजादी हासिल करो मैनी नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइड द यूएसए पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल्स ऑफ ईस्ट एंड बोल्सेविक फाउंडेड कमेंटम एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्सेविक सोशल पार्टीज सो ये जो बोल्सविक्स हैं इनका नाम अब दुनिया में इनका डंका बजने लगा जो बहुत सारे नॉन रशियन्स थे जो यूएसएसआर के नहीं थे वो पार्टिसिपेट करने लगे कॉन्फ्रेंसिस में मतलब मीटिंग्स में आने लगे ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट मतलब ईस्ट में जो भी ऐसे कॉन्फ्रेंस होती थी वहां पे आके पार्टिसिपेट करते थे और बॉलशेविक्स ने एक कमिटी बनाई जिसका नाम रखा कमिंटन कमिंटन क्या है एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्सेविक्स सोशलिस्ट पार्टीज मतलब वो सारी पार्टीज जो कि बोल्शेविक्स को सपोर्ट करती थी मतलब थ्रू आउट वर्ल्ड में जो भी पार्टीज थी सो so, वो वहाँ, मतलब वहां आके मीटिंग होती थी तो उन्होंने इसका नाम कमिंटन रखा कॉमिंटन कॉमिंटन मतलब बॉलशेविक्स को सपोर्ट करने वाली यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बॉलशेविक सोशलिस्ट पार्टीज सम रिसीव्ड एजुकेशन इन सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्कर्स ऑफ द ईस्ट सो कईयों को एजुकेशन मिली सम रिसीव्ड एजुकेशन कईयों को एजुकेशन मिली यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द यूएस है ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्ट्रक्चर सो कईयों को एजुकेशन मिली यूएसएसआर में सम रिसीव एजुकेशन इन दू एस एस आर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट सो ये जो यूनिवर्सिटी थी यूएसएसआर की सो so, कईयों ने जाके वहाँ मतलब शिक्षा ग्रहण की और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ सो यूएसएसआर अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेटर्स सो यूएसएसआर ने पूरी दुनिया को सोशलिज्म बताया कि सोशलिज्म क्या होता है और एक दुनिया में उसका एक फेस मतलब दुनिया को सोशलिज्म समझाया कि सोशलिज्म क्या होता है सो so, आप देख सकते हो कि जो बॉल्सविक्स है उनका दुनिया में इतना ज्यादा इज्जत इतना ज्यादा मान था पर थोड़ा सा देश में अब ये लोग थोड़ा अलग ही दिशा में जा रहे थे अब थोड़ा सा ये लोग क्योंकि स्टैलिन के हाथ में आ गया था स्टैलिन थोड़ा सा Uh, मतलब लोगों को सहन नहीं होती थी उससे अपनी बुराई सो येट बाय नाइनटीन फिफ्टी इट वॉज अकोनोइ विद इन द कंट्री द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन दू एस एज नॉट इन कीपिंग विद द आइडियल ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन पर देश के अंदर ही अंदर अगर आप देश के अंदर की बात करें येट बाय नाइनटीन फिफ्टी सो नाइनटीन फिफ्टी में देश के अंदर ही अंदर लोग इतना तो उनको समझ आ गया कि जो गवर्नमेंट का स्टाइल है यूएसएसआर में वॉज नॉट इन कीपिंग विद द आइडियल ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन मतलब जो रशियन रिवोल्यूशन हुआ था मतलब जो रशियन रिवोल्यूशन जिस बिना पे हुआ था जिस पॉइंट्स पे हुआ था वो पॉइंट्स तो फॉलो ही नहीं हो रही हैं यूएसएसआर में वो पॉइंट्स तो फॉलो ही नहीं हो रही हैं सो इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वाज सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वाज रिकॉग्नाइज दैट ऑल वाज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन सो अब पता लग गया पूरी दुनिया को भी कि भाई सब सही नहीं चल रहा है सोवियत यूनियन के अंदर सो अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर अब ये सब तो ठीक है पर एक मतलब रशिया वॉज नॉट अ वेरी मतलब इतना ज्यादा नहीं था दबदबा पर वो ग्रेट पावर बनती जा रही थी ठीक है इट वॉज बिकमिंग अ ग्रेट पावर इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर है डेवलप्ड मतलब इंडस्ट्रीज डेवलप हुई एग्रीकल्चर डेवलप हुआ पुअर वर बींग फैड जो गरीब थे उन्हें खाना मिल रहा था बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम्स टू इट्स सिटीजन एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज बट ये जो रशिया थी रशिया ने अपने सिटीजन्स को फ्रीडम ही नहीं दी हुई थी जो फ्रीडम मिलनी चाहिए रशिया ने वो फ्रीडम नहीं दी थी अपने जो सिटीजन्स है उनको और वो अपने जो प्रोजेक्ट्स है कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट थ्रू डिप्रेसिव पॉलिसी मतलब जो भी जैसे वहां आपने कलेक्टिवाइजेशन देखा जो भी उसके जो प्रोजेक्ट्स थे अलग अलग जो आपने ईयर प्लान्स देखे इकोनॉमिक प्लान्स सो so, ये जो प्लान्स थे वो चलाते थे रिप्रेसिव मतलब लोगों को दबा के लोगों की भावनाओं का मान बिल्कुल नहीं रखते थे इस तरह से ये लोग मतलब मानव का मतलब सिटीजन्स का कुछ ध्यान नहीं था इन लोगों को आजादी का कुछ नहीं खाना दे रहे थे इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा था पर फ्रीडम नहीं थी आजादी नहीं थी so and carried out its development of projects through repressive policies. by the end of 20th century the international reputation of the USSR as a socialist country had declined, though it was recognized that socialist idols respect among its people. so ये जो इतनी ज़्यादा reputation बन गई थी USSR की जो रशिया कितनी ज़्यादा reputation बन गई थी, so 20th century आते आते उसकी international reputation socialist country के तौर पे कम होती गई. पर इतना माना गया कि जो उसके socialist idols हैं अभी भी मतलब लोगों में अभी भी वो उसकी इज्जत है जो उसकी आइडियल रशियन रिवोल्यूशन के जो सोशलिस्ट आइडियल से अभी भी लोग उसको मानते हैं बट जो नाम हुआ था इतना उनके सोशलिज्म का वो अब धीरे धीरे गिरता जा रहा था लोगों को समझ आ रही थी कि भाई ग्रोथ है तरक्की तो है पर लोगों को आजादी कम है पर अभी भी उनकी रेपुटेशन थी पर कम होती गई बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशल रीथॉट इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज सो ये जो सोशलिज्म है सो so, हर कंट्री उसको अलग अलग तरह से अपने अपने तरह से सोचती है ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट रशियन रिवोल्यूशन सो लास्ट में आपने देखा कि भाई बोलशेविक्स की जो सरकार थी वो चली और uh, मतलब ग्लोबली uh, भी रशिया का नाम हुआ और uh, तरक्की भी हुई ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवोल्यूशन सो इसमें हमने उल्टा पढ़ा पहले हमने रशियन रिवोल्यूशन पढ़ लिया और फिर हमने सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ा सो so, यहाँ पेज 46 पे एक बॉक्स फाय है यहाँ पे लिखा हुआ है रशियन रिवॉल्यूशन का इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ा है मतलब ऑब्वियसली कहीं किसी देश में कोई चीज होती है तो पूरी दुनिया में उसका प्रभाव पड़ता है लोग इंस्पायर होते हैं इंस्पिरेशन मिलती है सो राइटिंग अबाउट रशियन रिवॉल्यूशन इन इंडिया अमंग दोस्त द रशियन रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड वर मैनी इंडियंस सो जो रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पिरेशन लेते थे जो रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होते थे उसमें से बहुत ज्यादा भारतीय थे इंडियंस थे सैवरल अटेंडेड द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी सो काफी लोग थे जो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी जाकर अटेंड करके आए बाय दिन पार्टी वॉज फॉर्म इन इंडिया सो इवन इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई कम्युनिस्ट पार्टी मतलब वर्कर्स की पार्टी वो बनाई गई इट्स मेंबर्स कैप्ट इन टच विद सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी सो ये जो मैंबर्सिए क्युनिस्ट पार्टी जो रशिया की पार्टी थी उसके टच में रहते थे इम्पॉटेंट इंडियन पॉलिटिकल एंड कल्चर फिगर्स टू कैन इंटरेस्ट इन द सोवियट एक्सपेरिमेंट एंड विजिटेड रशिया सो so, ये जो रशिया में ये जो वॉलशेविक्स का जो ये मूवमेंट चल रहा था ये जो रिवॉल्यूशन चल रहा था काफियों का इंटरेस्ट आया और वो लोग जाके रशिया देख के आए रूस रूस कहते हैं ना रूस रशिया को रूस कहते हैं हिंदी में सो so, रशिया होके आए सो अमंग जवाहरलाल नेहरू रविन्द्र नाथ टैगोर हु रोट अबाउट सोवियत सोशलिज्म सो जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं इंडिया से जो रशिया का जो पैटर्न है चलने का तरीका है वो देखने गए थे वो थे जवाहरलाल नेहरू रविन्द्र टैगोर ठीक है सोशलिज्म इन रशिया देखने गए थे कि भाई किस तरह से ये देश चल रहा है इन इंडिया राइटिंग्स ये इम्प्रेशन ऑफ सोवियत रशिया सो इंडिया में काफी राइटर्स ने सोवियत रशिया के बारे में लिखा भी आजाद रशिया के बारे में लिखा भी इन हिंदी आर एस अवस्थी रोट इन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो आर एस अवस्थी ने हिंदी में नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन में रशियन रिवोल्यूशन लिखा लैन सो so, uh, मतलब ये अवस्थ आर एस अवस्थी ने लिखा और आगे जाके रेड रिवॉल्यूशन लिखा एस टी विद्यालकर ने रीबर्थ ऑफ रशिया लिखा भाई रशिया का फिर से भाई जन्म हुआ है पुनर्जन्म एंड द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया भाई रशिया एक आजाद देश देर वॉज मच दैट वॉज रिटर्न बंगाली मराठी मलयालम तमिल तेलुगू सो so, आप देख सकते हो जो रशियन रिवोल्यूशन है वो हमारे जो देश के नेता थे खास जो सोवियत रशिया देखने जाते थे भाई रशिया कैसे आजाद हुआ मोनार्ची से कैसे प्रोविंशनल गवर्नमेंट से आजाद हुआ सो so, जवाहरलाल नेहरू रविंद्रनाथ नाथ टैगोर खुद देखने गए थे रशिया और इवन हमारे देश में भी अलग अलग राइटर्स अलग अलग किताबें लिखते थे रशिया के ऊपर और आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो आपकी बुक में ठीक है सो इट इज मतलब जो ये सोशलिज्म इन रशिया है या ये सोशलिज्म इन यूरोप है रशियन रिवोल्यूशन है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हिस्ट्री का जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया सो so, अब यहाँ पे पेज नंबर फोर्टी सेवन पे जो इंडियंस गए जो रशिया देखने गए थे ये सोशलिज्म सोवियत रशिया देखने गए थे वो देखो क्या लिख रहे हैं एंड इंडियन अराइज इन सोवियत रशिया इन नाइनटीन ट्वेंटी ये जो आजाद रशिया है नाइनटीन ट्वेंटी में एक इंडियन गया So, uh, अब वो लिख रहा है कौन है ये इसका नाम है शौकत उस्मानी शौकत उस्मानी नाम है और उसने अपनी बुक हिस्टोरिक ट्रिप्स ऑफ अ रिवॉल्यूशनरी में ये लिखा है क्या लिखा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइज वी वर सींग यूरोपियंस मिक्सिंग फ्रीली विद एशियंस कह रहा है पहली बार ही मैंने मेरी जिंदगी में देखा है मैं गया हूं रशिया तो कैसे यूरोपियंस हमारे साथ फ्रीली मिक्स हो रहे हैं

और स्पाइट ऑफ पावर्टी यहां गरीबी है पर यहाँ पे जो रिवॉल्यूशनरीज़ हैं इंपेरियलिस्ट हैं यहाँ के लोग उनकी वजह से खुश हैं सेटिस्फाइड हैं जो रिवॉल्यूशन है मतलब जो रशियन रिवॉल्यूशन था इनमें इन्होंने कॉन्फिडेंस भर दिया है फियरलेसनेस भर दिया है फियरलेसनेस मतलब अब इन लोगों में कोई डर नहीं रहा द रियल ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड वुड बी सीन हियर अमंग दिस पीपल ऑफ फिफ्टी डिफरेंट नेशनलिस्ट नेशनलिटीज मतलब रशिया में पचास से ज्यादा अलग अलग नेशनलिटीज वाले लोग रहते हैं यहाँ पे भाईचारा देखने मिल रहा है नो बैरियर्स ऑफ कास्ट और रिलीजन हिंडर फ्रॉम मिक्सिंग फ्रीली विद वन अनदर यहाँ पे कोई जात नहीं कोई पात नहीं कोई धर्म नहीं सब एक है यहाँ पे रशिया में एवरी सोल वॉज ट्रांसफॉर्म इन टू एन ओरेटर हर कोई अच्छा अच्छा बोल रहा है और हर कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में बोल रहा है ओरेटर बन गया है फ्री स्पीकर मतलब स्पीकर बन गया है वन कुड सी अ वर्कर चाहे कोई फैक्ट्री का वर्कर हो चाहे कोई पीजेंट हो फार्मर हो चाहे कोई सोल्जर हो लाइक अ प्रोफेशनल लेक्चरर हर कोई इस तरह से बोल रहा है जैसे वो कोई प्रोफेशनल लेक्चरर हो सो so, ये लिखा है शौकत उस्मानी हिस्टोरिक ट्रिप्स ऑफ अ रिवॉल्यूशनरी सो इस तरह से मतलब uh, इंडियंस की ये फीलिंग थी ठीक है सो ऑलमोस्ट दिस चैप्टर इज अबाउट टू एंड सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर सो so, बिल्कुल एक पैराग्राफ ही रहा है सो वी विल सी दिस पैराग्राफ इन द कमिंग लेक्टी सेवन सो वी विल सी इट फर्दर इन द नेक्स्ट लेक्चर बट बिफोर दैट फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड टूडे सो आज हमने चालू करा था आपके पेज नंबर फोर्टी वन से पेज नंबर फोर्टी वन से हमने स्टार्ट किया था लेक्चर था टू फिफ्टी थ्री सो हमने पढ़ा था कि भाई uh, भाई कुछ प्रॉब्लम थी लोगों में ऑब्वियसली कोई नई चीज़ आती है प्रॉब्लम थी सो so यूएसएसआर से थोड़े लोगों को प्रॉब्लम थी और आ, मतलब बॉल्सेविक्स से प्रॉब्लम थी सो so, बॉल्सविक्स ने जो राज्य बनाया उसका नाम यूएसएसआर रखा मतलब सोवियत यूनियन रखा दिसंबर 1922 में और आ, मतलब बॉल की थोड़ी पॉलिसीज थी जो उनको कम समझ आ रही थी पर उन्होंने अपनाई ठीक है पॉलिसी मतलब बॉल सेविक्स नॉमेडिज्म नहीं चाहते थे भाई दूसरे लोग आए अपना कल्चर लेके फिर सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे बनी भाई सिविल वॉर ये जो झगड़ा झगड़े हुए दंगे हुए बॉल ने इंडस्ट्रीज बैंक को तो ये अच्छे अच्छे काम लिखे हुए हैं इन दो पैराग्राफ्स में बॉल ने अच्छे अच्छे क्या काम किए फिर भाई इतनी ज्यादा फैक्ट्रीज डेवलप हुई फिर यहाँ एक सिटी जिसका नाम मैग्नीटोगॉर्स है उसका नाम लिखा गया है भाई इतना उसको तीन साल में फैक्ट्री बना दी गई थोड़ा लोगों को व्यवस्था अच्छी नहीं थी फिर हमने देखा स्कूलिंग अच्छी डेवलप हो गई फिर हमने देखा कि पब्लिक हेल्थ भी सस्ती कर दी गई और फिर लिविंग क्वार्टर्स बनाए गए वर्कर्स के लिए ठीक है फिर हमने क्या देखा देन स्टैलिन देखा हमने देखा लेनिन के बाद स्टैलिन आया लेनिन गुजर गया तो स्टैलिन आया कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम फॉलो हुआ सो कलेक्टिवाइजेशन में उसने जबरदस्ती मतलब सबके लैंड हथिया लिए और जबरदस्ती उनसे खेतियां करवाई पर फ्लॉप गया काफी लोग मर गए मतलब सब कुछ अच्छा नहीं होता भले सब अच्छा हो तो भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो जो उसको क्रिटिसाइज करते थे उनको डिपोर्ट करा देता था एक्साइल करा देता था सो चार लाख लोग मर गए थे चार मिलियन लोग मर गए थे उस फैमाइन में सूखे में काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया पर स्टैलिन ने उनको जेल भिजवा दिया ठीक है पर पूरी दुनिया में ये जो सोवियत रशिया था उसका नाम बहुत हुआ बोल्शेविक्स का अभी भी नाम था और उनसे इंस्पायर होके बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टी बनी जैसे ग्रेट ब्रिटेन में बनी और यहाँ जो इवन बोल्शेविक्स ने कमिंटन बनाया सो जो उनको सपोर्ट करती हैं उन पार्टीज के साथ सो इवन एजुकेशन भी वहां पे लोग जाके यूनिवर्सिटी थी बाकायदा सो सम रिसीव एजुकेशन इन दू एसर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्कर्स ऑफ द ईस्ट तो वहां लोग जाके पढ़ के भी आते थे सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर द यूएसए हेड गिवन सोशलिज्म सो वर्ल्ड वॉर के दौरान रशिया और उभर के आगे आया सो so रशिया कोई एक बहुत बड़ा देश नहीं था बट जो उन्होंने अपने आप को देश मतलब वो ग्रोथ दिखा रहे थे डेवलपमेंट दिखा रहे थे इवन हमारे जो इंडियंस थे जवाहरलाल नेहरू रविंद्रनाथ टैगोर वो लोग भी रशिया जो सोवियत रशिया आजाद रशिया उससे प्रभावित थे सो so, ये जो रशियंस थे वो दूसरे जो कॉलोनीस थे मतलब जो 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 देश दूसरों के गुलाम बने हुए थे उनको इंस्पायर करते थे ठीक है सो दिस इज पेज फोर्टी सेवन एंड एम एंडिंग माई लेक्चर हेयर सो दिस इज मी और ऋषिका मैम रिक्वेस्टिंग यू कि मैंने जो जो पॉइंट्स आपको टिक कराई हैं जस्ट राइट दैम प्रॉपरली एंड रीड द चैप्टर विच वी हैव डिस्कस इन टूडेज लेक्चर एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग थैंक यू